हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपके सारे मनोकामनाएं पूरा करे। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग बिहार में कुछ इस तरह से नागपंचमी मनाते हैं। पहले हम लोग घर में नीम ला करके टांग देते हैं, उसके बाद धान के लावा को लेकर के और दूध सारे भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ पर मैं नहा धोकर के रेडी हो गई हूँ और चली आई छत पर ही पूजा करने के लिए। मंदिर तो नहीं जा पाए क्योंकि घर में मैं अकेली थी, मम्मी चली गई थी मंदिर, इसीलिए मैं घर में ही पूजा कर ली। क्योंकि अनाया को भी अकेले छोड़ नहीं सकती थी ना, इसीलिए मैं चली आई ऊपर छत पे ही पूजा करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैं भगवान शिव को लावा और दूध चढ़ा दी हूँ। उसके बाद फिर भगवान से आशीर्वाद ले ली, फिर नीचे चली आई आरती करने के लिए। उसके बाद फिर अनाया उठ गई, उसको भी नहला धुला करके भगवान के पास ले आई मंदिर में। थोड़ा बहुत वो ऐसे ही भगवान को आरती की, उसके बाद हम लोग खाना बनाए। और देखिए ये सब खाया जाता है नागपंचमी में।